Hi Mrunal, how are you doing? I'm doing good. Good to see you, beta. How are you doing? Like, कहाँ से हो आप? From Maharashtra. Very good, very good. कैसा है? सांगला. मस्त. मस्त. Okay. How is my Marathi? Very nice. Very nice. Very good, beta. Very good, very good. So, अभी आपके 10th खत्म होगा, आप 11th में आ चुके हो पूरा. क्या हो रहा है? Yes sir. अभी results का wait हो रहा है. Yes. Perfect, perfect. अब और बताओ और क्या चल रहा है बेटा? आप कैसे summer vacation कैसे spend कर रहे हो आप? How are you spending your summer vacation? Some means some sports and instruments I'm learning. Very is, very good. क्या sports खेलते हो बेटा? So I'm going for athletics. Athletics? Running करते हो क्या करते हो? What do you do? Running, relay and all that. Very good Mrunal. And आप क्या music instrument play करते हो बेटा? आप instrument बता रहे थे? Sir guitar. क्या बजाते हो? कितने सालों से बजा रहे हो? How many years? Sir now just 1 year I'm learning now. Very good, very good. मैं जब आपकी क्लास ये कह रहा था तब मेरे को भी सीखना था गिटार, but my parents did not, you know, वो कहते बहुत महंगा है गिटार खरीदो फिर इसकी कोचिंग भी जाओ, तो यार तो मेरे को नहीं मिला, but good to see you this Mrunal. और बताओ Mrunal, आपका क्लास 10th का एक्सपीरियंस कैसा था बच्चे? Very nice sir. Very good. Vedantu में, Vedantu के बारे में आपने कब सुना? When did you get to learn about Vedantu? Sir, in 9th I had joined Vedantu. अच्छा अच्छा, आप 9th में, तो 9th में आपको किसने बताया था? Just like ads and all. अच्छा, ad पे देख के आपने, कहाँ पे देखा? YouTube पे पहले देखा कि app पे देखा, कहाँ पे? Ad देखा पहले TV पे, उसके बाद क्या किया आपने? Then means my father thought that it's nice platform, so just we I downloaded the app and they called me for. Okay. फिर आपने join करा 9th पे पढ़े, आप फिर 10th पे भी आपने join करा वेदांतु को? Yes. वेरी गुड यार, तो आपको वेदांतु पसंद है? वेदांतु की क्या चीज आपको पसंद आती है? टीचर्स अच्छे लगते हैं. वेरी गुड. ओह नाइस. तो वेदांतु ने आपकी मदद कैसे करी बेटा? हाउ डिड वेदांतु हेल्प यू? सर इट मेड इट वेरी इजी, मींस एवरीथिंग दे एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली, सो ओके इट वाज वेरी इजी फॉर मी. वेरी गुड. तो वुड यू रेकमेंड वेदांतु टू अदर स्टूडेंट? आप रेकमेंड करोगे वेदांतु को कि वेदांतु में पढ़ो, अच्छा पढ़ाते हैं? यस. Very good. तो आपको वेदांत में पढ़ के like how is it different from the school teaching? Teachers are more means they know the students better. Means school teachers are just they want to teach and go, but Vedantu teachers they explain everything very differently and make learning more fun. आपको बताता हूँ क्या कहते हैं, आपको और कुछ पूछने में से पूछ सकते हो? कुछ आप कुछ पूछना तो पूछ सकते हो मेरे से, कुछ नहीं? अच्छा, आप क्लास 11th में भी जाके कौन सा सब्जेक्ट चूज करने वाले हो? PCM. PCM लेने वाले, मतलब और like आपका कोई ड्रीम कॉलेज वगैरह कुछ सोच रखा है क्या? मुझे इस ड्रीम कॉलेज में जाना है या फिर कुछ ऐसा? Sir, means I want to go in defense, so I'll go through that only. ये मतलब जैसे बच्चों को होता है ना कि समय को PCM लेके मेरे को IIT कॉलेज जाना है या फिर मुझे IIT क्रैक करना है, जनरली बच्चों का ये होता है जो PCM लेते हैं. तो आपका कुछ ऐसा एम है कि नहीं, यू वांट टू डू समथिंग लाइक आर्किटेक्चर करना है या फिर आपको यू नो और किसी फील्ड में जाना है? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? एयरफोर्स, मींस आई डू फॉर एयरफोर्स. अच्छा, आपको एयरफोर्स में जाना है? Yes. Perfect. आपको पता है एयरफोर्स में कैसे जाते हैं? Means I have searched for NCC special entry, so there if we get the C certificate, so then we can go for SSB interview. Perfect. अब वो भी कर सकते हो. और आप क्लास 12th के बाद ना NDA का एग्जाम आता है बेटा, NDA का एग्जाम क्लियर करके ना आप उसमें भी एयरफोर्स में जा सकते हो. फिर अदरवाइज ऑल्सो आप कॉलेज जाते हो, है ना, कॉलेज जाके फिर 4 साल का आपका यू नो डिग्री करते हो, उसके बाद यू कैन गिव एन एग्जाम AFCAT करके, वो एग्जाम होता है एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो ग्रेजुएशन की बात होता है, तो वो एग्जाम दे के भी यू नो यू कैन बिकम अ यू नो यू कैन जॉइन एयरफोर्स. एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हो मेरे ख्याल से? यस सर. वेरी गुड. आपको पता है मैंने भी पायलट का एग्जाम दिया था, मैंने AFCAT दिया था, मेरा AFCAT क्लियर हुआ था. फिर जब आप क्लियर कर लेते हो रिटर्न, उसके बाद SSB करवाते हैं. आपको पता है SSB? यस सर, आई सॉ योर वीडियो ऑन YouTube. अच्छा, मेरी वीडियो देखी है YouTube पे? ओके. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बेटा, बहुत ही फन होता है. तो आई माय बेस्ट विशेस बेटा, आई होप यू गो थ्रू दैट, आई नो आपका सिलेक्शन हो अच्छी तरीके से.
परफेक्ट बेटा। और बताओ आपकी मम्मी पापा को खुश हैं लाइक आपकी पढ़ाई से वेदांतु से? यस सर। अच्छा कोई डांट वांट नहीं पड़ती? पापा स्ट्रिक्ट हैं कि कैसे हैं? नो ही इज नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट। और आप अपने स्कूल के टॉपर बच्चे हो मीडियोकर बच्चे हो कि कौन से वाले बच्चे हो? टॉपर बच्चे। वेरी गुड। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, तो आप क्या टाइम टेबल को फॉलो करते हो? So 9th and 10th were online, so in the morning the online sessions and then after that the self-study, means first I did the NCRT, then Tattva books were very helpful, and then in the evening the Vedantu sessions and test, all that. So मतलब automatic schedule बना हुआ था, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से होगा। सुबह तो स्कूल होता था, शाम को वेदांतु की क्लासेस हो गई, तो थोड़ा बहुत बीच में टाइम था उसमें खुद पढ़ने से। आपका सही है, आपका सही है कि आपको क्लास 10th के बाद मिला है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। जनरली हमें तो स्कूल मतलब बच्चों को मिल ही जाता है कि भाई फिर क्या कहते हैं हम आजकल बच्चों में देखा 7th-8th क्लास में ही उनको वो मिल जाता है, ये कहते हैं फोन वो लेके घूम रहे होते हैं। आई नो राइट, दैट इज सो डैम अमेजिंग, दैट इज गुड गुड। आई गेस आई बिलीव ये थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूरी है कि मतलब आपको यू नो फोन एक पर्टिकुलर एज के बाद ही मिलना चाहिए। आई गेस दैट इज क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ें में इतना ज़्यादा यू नो टाइट है कि लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, मतलब यू नो एकदम पूरा 2 मिनट पढ़ते हैं फिर 2 मिनट में यू नो दे पिक अप देयर फोन, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कुछ भी हो गया। दैट इज़ वेरी गुड। आई गेस बच्चों देख लो फोन नहीं है भाई, फोन नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, यू हैव टू टेक दैट ऑफ, तभी आप यू नो कर पाओगे। And beta, any tips you want to give to the students? जो भी 10th के exam देंगे इस साल. So first they should read the NCERT for SST and science and solve it. And then they should give regular tests like Vedantu. We had every Sunday we had the test and some reference book. So I didn't need any reference book. Tattva book were enough. Yeah. Perfect guys, read NCERT, Tattva book, और एक और चीज क्या बोलते हो आपने? The test, test देना भाई, test देना बहुत जरूरी है भाई, read NCERT, वेदांतु की Tattva books है, उसको use कर लो for practice and everything, and test देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है बच्चों? तो yeah, तो this is what toppers do and you should follow it, and thank you Mrunal for sharing your experience with us, it was wonderful talking to you.